रिश्वत कांड में फंसे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र महेवा के डॉक्टर मनोज गौर के बचाव में पूरा स्वास्थ्य विभाग लगभग उनके साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री एन एस तोमर ने डॉक्टर मनोज गौर पर कार्रवाई करने की बात तो कही, लेकिन अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की। और उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेवा के अधिकारी डॉक्टर राजपूत ने बताया कि हमने डॉक्टर मनोज गौर के खिलाफ शिकायत पत्र अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है तथा आगे की कार्रवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हाथों में है। सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर मनोज गौर पर स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य कर्मी ने बकेवर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। अब डॉक्टर मनोज गौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेवा में नहीं आता। ब्लॉक महेवा जनपद इटावा से हमारे संवाददाता अनुरोध भदौरिया की रिपोर्ट। हाल ही में सोशल मीडिया के में जो अभी छाया हुआ है, ब्लॉक महेवा जनपद इटावा के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर के द्वारा रिश्वत लिए जाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके खबर सोशल मीडिया में काफ़ी फैली हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबर चल रही है, हमारे न्यूज़ चैनल ने भी खबर चलाई है। उसमें सीएमओ साहब ने भी जवाब दिया है कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इसके लिए डॉक्टर गौर जो है, जिन्हें आरोपित बताया गया है, वो अभी स्वास्थ्य केंद्र में आते नहीं है। और मैं इस समय खड़ा हूँ प्रेजेंट में हमारे जो अधीक्षक महोदय हैं डॉक्टर साहब राजपूत के साथ में, तो उन्होंने बताया है कि वो अभी स्वास्थ्य केंद्र में आते हुए नहीं है। कैमरामैन आशुतोष वाजपेयी के साथ अनिरुद्ध भदौरिया की विशेष रिपोर्ट जनपद। अधीक्षक जी बताएंगे कि जो अभी मामला आया है हमारे सामने कि रिश्वत का, जो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया हुआ है, इसके बाबत कोई इनके खिलाफ विवादी है या फिर कोई कार्रवाई की है? मैंने सीएमओ सर को अवगत करा दिया है, जो भी मैटर है उसके बारे में वो 3 तारीख से जांच चल रही है और उनके बारे में। डॉक्टर साहब का नाम क्या था? डॉक्टर गौर। उनका बिहेवियर कैसा था? आपके नीचे काम किया है, आपके जूनियर थे, तो उनका बिहेवियर कुछ बताएंगे कि अपने स्टाफ के लिए क्या कैसा बिहेवियर था उनका? बिहेवियर क्या, सब नॉर्मल रहते हैं, है ना जी। किसी के बारे में कोई ऐसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। अभी इस समय कहाँ है वो? पता नहीं। अच्छा, अभी स्वास्थ्य केंद्र में आते भी नहीं है? नहीं।